आठवां मसला कुर्बानी के गोश्त के बारे में कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो हनाबिला के नज़दीक ये है कि तीन हिस्से में कुर्बानी का जानवर के गोश्त को तकसीम किया जाएगा। एक हिस्सा आदमी खुद खाएगा और एक हिस्सा जो है दूसरों को खिलाएगा और एक हिस्सा सदका करेगा फ़ुक़रा और मसाकिन पर। ये तीन, और वो इस्तिदलाल करते हैं फ़कुलू मिनहा व अतअमुल क़ानिया वल मुतर्रा कि कुर्बानी के जानवर में से खाओ भी और मांगने वालों को भी खिलाओ, और जो मांगता नहीं है लेकिन यह है कि आगे पीछे लगा रहता है लालच में तो उसको भी खिलाओ। तो इस तरीके से तीन हिस्से में उन्होंने तकसीम करने की बात कही है, यानी हनाबिला के यहाँ ये बात है और इमाम शाफ़ी का एक कौल है। इमाम शाफ़ी का दूसरा कौल ये है कि दो हिस्से में तकसीम करेगा, एक यानी आधा हिस्सा खाएगा और आधा हिस्सा तकसीम करेगा या सदका करेगा। वो फ़कुलू मिनहा व अतअमुल बाएसल फ़कीर से इस्तिदलाल करते हैं कि इसमें दो चीज़ कही गई है। अहनाफ के यहाँ असहाबुर राय कहते हैं कि मा कसुरा मिन सदक़ति फ़हुवा अफ़ज़ल कि जितना ज़्यादा सदका करे उतना अफजल है। मतलब ये कि तहदीद करना कि एक बटा तीन खाए और एक बटा तीन तकसीम करे और एक बटा तीन सदका करे, तो कहते हैं कि इस तकसीम के बगैर, इस तहदीद के बगैर जितना ज़्यादा सदका करे तो वही ज़्यादा बेहतर है। इब्ने क़ुदामा कहते हैं कि ये मामला ऐसा है कि इसमें बड़ी गुंजाइश है, अगर कुल सदका कर दे तो भी जायज़ है, अक्सर हिस्सा सदका कर दे तो भी जायज़ है, अगर कुल खा लेता है थोड़ा सा सदका करता है तो भी जायज़ है, तो इसमें कोई पाबंदी की ज़रूरत नहीं है।